का भरोसा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का क्या कहना है, अब ये भी सुन लीजिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी हैं। सतीश जी, रणनीति क्या क्या तैयारियां? नहीं, निश्चित रूप से हमारी रणनीति और तैयारियां बहुत पहले से, हम पिछले 3 महीने से लगातार हमको मालूम था दिल्ली में चुनाव होने, हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा शीघ्र ही करेंगे। हमारी चुनाव समिति बैठेगी, उसमें जो विनेबल कैंडिडेट हैं उनको हम लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो गुड गवर्नेंस करना चाहती है उसमें निश्चित रूप से हम घोषणा पत्र अपना लेकर के आएंगे, और उसके बाद जब चुनाव के कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, स्क्रूटनी हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे जो उम्मीदवार हैं चुनावी सभाएं होंगी, हमारे स्टार कैंपेनर उसके अंदर आएंगे, चाहे वो हम कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री से कि कितनी रैली हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। चुनावी बिगुल बच चुका है, तो नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट सीट मानी जा रही है? अभी हमारे टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हमारी चुनाव समिति बैठेगी, वही इनके बारे में तय करेगी, और कोई अच्छा उम्मीदवार निश्चित रूप से नई दिल्ली में भी हम देंगे। क्या सतीश उपाध्याय का मन है कि नई दिल्ली से चुनाव लड़े या कहीं और? मैं अपने बारे में कोई डिसीजन कभी लेता नहीं, पार्टी का अध्यक्ष हूं, मुझे 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है, 70 सीटों पर कमल को खिलाना है, और पार्टी जो मुझे कहेगी वो काम मैं करूंगा। अभी कुछ फेरबदल या कुछ नए कैंडिडेट ऊपर बाहर से भी कैंडिडेट लाने की कुछ तैयारियां हैं, या कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट सेंटर से कोई कैंडिडेट यहां से लाके दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारियां कुछ बीजेपी चल रही है, क्या कर रही है, कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने कहा ना चुनाव समिति बैठेगी, सभी पहलुओं पर विचार करेगी, और जो भी ठीक उम्मीदवार होंगे उनको लेकर के आएंगे। पूर्वांचल सीट है, साथ में कई सीटें ऐसे रिजर्व हैं, उनके बारे में क्या कुछ रणनीति? पूर्वांचल के लोगों को निश्चित रूप से, जहां पूर्वांचल के लोग हैं उस पर हम प्राथमिकता देंगे, उनके बारे में सोचेंगे, महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, युवाओं को प्राथमिकता देंगे, निश्चित रूप से। मैंने कहा ना चुनाव समिति का काम है, ये सारे पहलू हमारे ध्यान में है। साफ तौर पर है सतीश जी का ही कहना है सारे पहलुओं पर ध्यान है, और कोशिश इनकी यही रहेगी कि इलेक्शन कमीशन जो भी अपना फैसला लेगी, यानी सीईसी की जो बैठक होगी उसके बाद से जो भी निर्णायक फैसला होगा उस पर आगे कदम बढ़ाते रहेंगे, और कहीं ना कहीं सभी सेलिब्रिटीज प्रचार प्रसार करेंगे और दिल्ली की जंग को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी 70 की 70 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी में है, वहीं अरविंद केजरीवाल को अंडे पड़ रहे हैं। किसने मारा अरविंद?